नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स। मैं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। भारत में जारी किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में बहस देखने को मिली। एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया। भारत की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। दुनिया के सबसे बड़े अमीर और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने एक टीचर से शादी की। बता दें, बेजोस से तलाक के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में मैकेंजी को 38 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर मिले थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रेट रोड पर सोमवार शाम को न्यू कोयलाघाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। इस पूरे घटनाक्रम में रेलवे के 2 कर्मचारी ने भी दम तोड़ दिया। घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सोरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अमेरिका से कच्चा माल आयात करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई जारी है। 11 जिलों में ब्यूरो के 52 अफसर और 172 स्टाफ के साथ 9 अधिकारियों ने 28 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 14 शतक जड़ने के बाद पडिक्कल ने लिस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। वह लिस्ट क्रिकेट में लगातार 4 शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के अनोखे क्लब में शामिल हुए। इस मामले में पडिक्कल ने श्रीलंका के कुमार संगकारा और दक्षिण अफ्रीका के एलविरो पीटरसन की बराबरी की। दिल्ली सरकार आज अपना ई बजट पेश करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में बजट को पेश करेंगे। कोरोना संकट काल में उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का तोहफा दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में महिला दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता में 2026 से अधिक टीमें भाग लेगी। महिला T20 विश्व कप में 10 की बजाय 12 टीमें भाग लेगी और महिला वनडे विश्व कप में 2029 में 8 की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी। मन की आवाज प्रतिज्ञा में लोगों को कई किरदार पसंद आए। इन किरदारों में सज्जन सिंह का रोल सबसे पसंदीदा था। शो का दूसरा पार्ट जल्द आ रहा है। मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 में सज्जन सिंह का दमदार रोल देखने को मिलने वाला है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 249 अंकों की तेजी के साथ 50,654.02 पर खुला और 10 बजे के आसपास 580 अंकों के उछाल के साथ 50,985.77 तक चला गया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जेएसआर टाइम्स पर। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।